तो हे गाइस, ना यार ऐसे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है, तो मेरा अवतार भी थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो ये रहा मेरा न्यू अवतार। अरे ये साउथ पोल का सुअर। टेंशन मत लो, इसके बारे में वीडियो में बताया है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 10 ओपी कमांड्स जो कि एमसीपीई के अंदर वर्क करते हैं। एंड हाँ, वीडियो खत्म होने के बाद तुम लोग को कमेंट करके बताना पड़ेगा कि 10 में से कितने कमांड तुम लोग को पहले से पता थे। तो नंबर 10 वाली कमांड वेट, यहाँ पे क्या हो रहा है? ओके, तो यहाँ पे ये कुत्ता शीप को मार रहा था। मैं पागल हूँ। एनीवेज, तो इस वाली कमांड का यूज करके तुम लोग अर्जुन बन सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम लोग को एक कमांड ब्लॉक लेना पड़ेगा, जिसको लेने के लिए तुम लोग को अपनी चैट में लिखना है /give@s कमांड ब्लॉक। एंड इतना करने के बाद उसको नीचे प्लेस करना, और यहाँ पे आके तुम लोग को ये कमांड डालनी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लो भाई, वेट कर रहा हूँ। एंड इतना करने के बाद ब्लॉक टाइप को रिपीट पे कर देना और रेडस्टोन को ऑलवेज एक्टिव पे। एंड अब तुम लोग बोलोगे यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं, तो यार रुको जरा, सबर करो। तो मैंने तुम लोग को बोला तुम लोग अर्जुन बन पाओगे, तो इसलिए मैंने निकाल लिया है बो। एंड अब देखो भाई, मेरे बो की शक्तियाँ कतई TNT की बारिश करते हुए जाता है। बाकी इसको देख के मुझे वो दिवाली के लड़ी वाले पटाखे याद आ गए। बाकी ये है तो काफी ज्यादा मजेदार। तो चलो अब निकलते हैं इस जगह से, इस जगह को पूरे तरीके से बर्बाद करने के बाद। तो अपनी नेक्स्ट कमांड का यूज करके तुम लोग कुछ इस तरह के बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना सकते हो। एंड ये वाली कमांड भी तुम्हारी स्क्रीन पे आ रही होगी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इस बारी में वेट नहीं करने वाला। इस कमांड को एंटर करने के बाद तुमको चाहिए होगा एक अंडा। एंड अब तुम लोग जैसे ही किसी एग को फेंकोगे वो ब्रिज बनाता हुआ जाएगा। एंड हाँ, जितनी दूर तुम्हारा एग जाएगा उतनी दूर तुम्हारा ब्रिज भी जाएगा। और मुझे तो इससे खेलने में इतना मजा आ रहा था कि भाई मैंने पूरा का पूरा जुरैसिक पार्क ही बना दिया। Nice. And इसको तुम लोग जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो, ये बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा। तो अब देखते हैं कुछ सिंपल बट यूजफुल कमांड। तो उनमें सबसे पहली कमांड है /enchant, जिसका यूज करके तुम लोग अपने हाथ में पकड़ी हुई किसी भी आइटम को एनचांट कर सकते हो। एंड आइटम से मेरा मतलब जो आइटम एनचांट हो सकती है उसी को एनचांट करना, पता लगे तुम ब्रेड को एनचांट कर रहे हो। तो तुम लोग को बस लिखना है /enchant@s एंड आगे जो भी एनचांटमेंट लगाना चाहते हो उसका नाम लिख दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड पे फायर एस्पेक्ट लगाया है, तो चलो अब चेक करते हैं कि ये चलता भी है या फिर माइनक्राफ्ट वालों ने चूना लगा दिया। तो जैसा कि देख सकते हो चूना नहीं लगा है, विलेजर जल गया। इसी तरह से तुम लोग जो चाहो वो एनचांटमेंट को यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ उटपटांग एनचांटमेंट मत लगाना। अगर तुम लोग लाइटर पे प्रोटेक्शन 4 लगाने की ट्राई करोगे तो वो नहीं लगने वाला है। तो गाइस, मैंने तुमको आज तक बताया नहीं, लेकिन मैं ही सुपरमैन हूं। अरे यार, यकीन नहीं हो रहा, देखो भाई मैं हवा में कैसे खड़ा हो सकता हूँ। तो ये भी तुम लोग कर सकते हो एक कमांड का यूज करके, जिसका नाम है /give@s barrier। एंड इतना लिखते ही तुमको ये ब्लॉक मिल जाएगा जो कि एकदम बैन वाले साइन की तरह दिखता है। एंड बस देन तुम्हारा इसको जहाँ यूज करने का मन करे वहाँ पे यूज करो। उसके बाद जैसे ही तुम लोग इस बैरियर को छोड़ोगे, तुम लोग को सारे ब्लॉक्स दिखना बंद हो जाएंगे। ये दिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमांड पे। तो अगली कमांड का यूज करके तुम लोग को मिलेगा माइनक्राफ्ट में बल्ब। हाँ, माइनक्राफ्ट में बल्ब होता है, तुम में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो बल्ब ऑब्टेन करने के लिए तुम लोग को अपनी चैट के अंदर लिखना है /give@s light_block। इतना लिखते ही तुम्हारी इन्वेंटरी के अंदर बल्ब आ जाएगा। एंड इसमें भी सेम बैरियर ब्लॉक की तरह है, जैसे तुम लोग इसको छोड़ोगे ये डिसअपीयर हो जाएगा। एंड इस पे टैप करके तुम लोग इसकी ब्राइटनेस का लेवल एडजस्ट कर सकते हो। तो तुम लोग इसको फ्रॉम 0 to 15 तक लेके जा सकते हो। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारे बल्ब इंस्टॉल कर दिए। एंड अब करते हैं नाइट टाइम और देखते हैं भाई कैसा लगते हैं। तो नाइट टाइम होते ही तुम लोग देख सकते हो भाई ये वाली जगह कितना ज्यादा डार्क है। एंड यहाँ पे देखो भाई, एकदम रोशनी ही रोशनी, ऐसा लगता है आशा की किरण यहीं से ओरिजिनेट हुई थी। एंड अब इस चीज का यूज कैसे करना है वो तो तुम लोग को अपने दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट कमांड। तो अब इस वाली कमांड का यूज करके तुम लोग मेरी तरह अपनी इतनी तगड़ी बॉडी बना सकते हो। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? तो इसके लिए भी तुम लोग को अपनी चैट के अंदर एक कमांड लिखनी है, लेकिन ये कमांड काफी ज्यादा बड़ी है। तो अभी तुम्हारी स्क्रीन पे कमांड आ रही होगी, जल्दी से लिख लो। एंड गलत मत लिखना, वरना बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाला। एंड कमांड लिखते ही तुम लोग ट्रांसफॉर्म हो जाओगे एक छोटे बच्चे से एक बड़े से टाइटन के अंदर। सही, जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। ओह सॉरी, वो अटैक ऑन टाइटन का नशा मेरे से उतर नहीं रहा है। एंड हाँ, ये कमांड एनिमल्स के ऊपर भी वर्क करती है। उसके लिए तुम लोग को बस @s की जगह @e लिख देना। एंड देन जितने भी एंटिटीज है सारे हो जाएंगे एकदम मोटे मोटे तारक मेहता वाले गोली की तरह। एंड ये पिक क्या मस्ती कर रहा है भाई यहाँ पे, इसको तो एक ही चीज बोलूंगा। तो अब अपना आ गए हैं अगली कमांड पे।
एंड इस कमांड का यूज करके तुम लोग इन्फिनाइट एक्सपी ले सकते हो। एंड ये कमांड भी तुम लोग को कमांड ब्लॉक के अंदर डालनी है। एंड एज यूजुअल कमांड तो तुम्हारी स्क्रीन पे आ ही रही होगी। एंड देन तुम लोग को बस ब्लॉक टाइप को रिपीट पे कर देना है। एंड देन इस पे एक लीवर लगा के इसको कर देना टर्न ऑन, और उसके बाद ये तुम लोग को देगा इन्फिनाइट एक्सपी और इन्फिनाइट डायमंड्स भी। एंड यार बस थोड़ा सा और मैं अपना गोल अचीव कर लूंगा, बस होने वाली है। एंड गाइस हो गई, मेरी एक्सपी हो गई है 69। तो नेक्स्ट कमांड का यूज करके तुम लोग एकदम फ्लैश की तरह भाग सकते हो। तो ये कमांड का नाम है स्लैश इफेक्ट। तो तुम लोग को बस लिखना है स्लैश इफेक्ट @s, उसके बाद जो इफेक्ट चाहिए उसका नाम एंड उसकी ड्यूरेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया तो मींस मेरे को 60 सेकंड के लिए स्पीड मिल जाएगी। एंड उसके बाद तुम लोग को अपने इफेक्ट की स्ट्रेंथ लिखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पीड 80, और अब मेरी स्पीड देखना भाई, फास्ट एज़ फक बॉय। एंड अब मैं क्राउच करके भी इतना तेज भाग पा रहा हूँ, एंड स्प्रिंट जब करता हूँ भाई तब तो मेरा बंदा स्क्रीन पे दिखता भी नहीं है। एंड इसी तरह से तुम लोग जो चाहो वो इफेक्ट ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेस्ट 100 ले लिया है, और अब मैं किसी भी ब्लॉक को इंस्टेंटली अपने हाथों से माइन कर सकता हूँ। एंड आई नो ये कमांड तो तुम लोग को डेफिनेटली पसंद आया होगा, तो इसलिए अभी के अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बात ही अपनी नेक्स्ट कमांड जिसका यूज करके तुम लोग बहुत बड़े एरिया को एक ही बारी में फिल कर सकते हो। एंड उसके लिए सबसे पहले तुम लोग को शो कोऑर्डिनेट्स एनेबल करने हैं, एंड जहां पे ब्लॉक प्लेस करना है उस जगह के कोऑर्डिनेट्स नोट करने हैं। क्या देख रहे हो, चलो जल्दी नोट करो, चुप कर बे कुत्ते। एंड देन तुमको वहां से दूसरे पॉइंट पे जाना है एंड वहां के कोऑर्डिनेट्स को नोट कर लेना है। अब क्या इस बारी भी बोलना पड़ेगा, जाओ नोट करो साले तू। एंड इतना करने के बाद तुम लोग को अपनी चैट खोलनी है, उसके अंदर लिखना है स्लैश फिल एंड देन अपनी जगह के कोऑर्डिनेट्स भर देने हैं। एंड हाँ, तुम लोग को दोनों जगह के कोऑर्डिनेट्स भरने हैं। एंड कोऑर्डिनेट्स भरने के बाद तुम लोग को उस ब्लॉक का नाम लिखना है जो कि वहां पे लगने वाला है। एंड विद इन सेकंड्स मेरी दीवार बन भी गई, दीवार लकड़ी जो भी है ये। एंड अगर तुम लोग चाहो तुम लोग इसको वर्टिकली भी यूज कर सकते एंड बहुत बड़ी बड़ी चीजें बना सकते हो। एंड रिमूव कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ, 10 कमांड तो हो गई है लेकिन चलो बता ही देता हूँ। थैंक यू। तो बाकी सारी चीजें कोऑर्डिनेट्स वोर्डिनेट्स सब सेम रहने वाले हैं, बस तुम लोग को एयर लिख देना है लास्ट में। एंड इतना लिखते ही सारे ब्लॉक्स गायब हो जाएंगे। एंड हाँ गाइज, इतना था आज की इस वीडियो में, मैंने तुम लोग को 10 कमांड बताए हैं। मुझे कमेंट करके बताओ तुम लोग को पहले से कितने पता थे। एंड अगर ये कर रहे हो तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी तब तक के लिए ये वाली वीडियो देखो, बाय बाय।